आसमान छूती महंगाई ने देश के हर परिवार की कमर तोड़ रखी है। ऐसे में सरकार से महंगाई पर नकेल कसने की उम्मीद की जाती है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। वित्त मंत्री ने कहा कि महंगाई का दबाव सबसे बड़ी चुनौती नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियों का सृजन और आर्थिक समानता के लक्ष्य को हासिल करना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। While of course some are red lettered and some others may not be, and the red lettered ones would be definitely jobs, equitable wealth distribution, and making sure that India is still moving on the path of growth. In that sense, inflation is not red lettered. I hope it doesn't surprise many of you all. We have shown that in the last couple of months, we were able to bring it under some manageable levels. वित्त मंत्री ने US India Business Council Idea Summit को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ प्राथमिकताएं लाल अक्षर वाली होती हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि नौकरियों का सृजन, समान धन वितरण यानी आर्थिक समानता और देश को विकास के पथ पर आगे लेकर जाना लाल अक्षर वाली प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि उस लिहाज से देखा जाए तो महंगाई लाल अक्षर वाली प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने पिछले कुछ महीनों में महंगाई पर काबू पाने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि वैश्विक कारणों के चलते जब कमोडिटी के दाम आसमान छूने लगे तो अप्रैल 2022 में खुदरा महंगाई दर 7.79% पर जा पहुंचा, जबकि जुलाई में घटकर 6.71% पर आ गया। महंगाई दर में बढ़ोतरी के बाद इस पर काबू पाने के लिए RBI को 1.40% रेपो रेट बढ़ाना पड़ा, तो सरकार को पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ा। साथ में सरकार ने गेहूं, चीनी और आटे के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। तो वहीं सरकार ने खाने के तेल के दामों में कमी लाने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी। वित्त मंत्री ने कहा कि विकास की रफ्तार को तेज करने के साथ ही दो लक्ष्यों को प्राथमिकता दी गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को और प्रभावी कैसे बनाया जाए, सरकार इसकी समीक्षा करेगी। उन्होंने कहा कि भारत लगातार